हेलो दोस्तों, नमस्कार और सभी को स्वागत करते हैं और एक नया वीडियो में। जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वीडियो को लास्ट तक देखना, और देखे ना देखे कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो हो सकते बहुत लोगों को मदद कर सकते हैं। तो हमारा पास आप लोगों के पास यही मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले ही ओपन कर लूँगा प्ले स्टोर को। मैं प्ले स्टोर में आ गया हूँ। प्ले स्टोर में आने के बाद आप लोग तो जानते होंगे जो गवर्नमेंट के तरफ से कोरोना के लेके एक अपडेट निकल के आया है, जो ऐप्स निकल गया है, वो ऐप्स का नाम है आरोग्य सेतु। जरूर बहुत सारे लोग उसको यूज़ करते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं लाइव को आज दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं आरोग्य सेतु को सर्च कर लेता हूँ। वो आरोग्य सेतु को मैं सर्च कर ले हूँ और देख सकते हैं मेरा पहले से इंस्टॉल है, इसलिए आप लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं आपको एपीके डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर उस जगह से डाउनलोड कर लेना। लेकिन मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो चीज़ ये है, जो इस जगह देख सकते हैं उसका रेटिंग कितना है। देख सकते हैं इसका रेटिंग है 4.6 रेटिंग दिया गया है, लेकिन इसका जो डाउनलोड जो ऑप्शन है, डाउनलोड ओनली फॉर कितने लोग किया है, 97,000 ओनली फॉर 97,000 ज़्यादा से ज़्यादा लोग 97,000 लोग क्या कि इसको डाउनलोड किया। और सोच सकते हैं जो कितना अभी ये नीचे पड़ा गया है, लेकिन आज कल टिकटॉक के बात करो, कुछ के बात करो तो बहुत सारा डाउनलोड हो गया। लेकिन आज कोरोना के लिए इतना फाइट चल रहा है, फिर भी इसको वो लोग डाउनलोड नहीं कर रहा है। इसका वजह क्या है, क्योंकि हम लोग का इंडिया में जो आबादी है वो लगभग 135 करोड़ के आसपास है, तो ओनली फॉर इज 97 के, ये कैसे पॉसिबल है। क्योंकि लोगों का ज़िंदगी कोरोना से लेके आज क्या बोलूँ जो बहुत खतरे में है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका आरोग्य सेतु ऐप्स को डाउनलोड करके इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को कोरोना के लिए फाइट करना है तो इसको भी बहुत मदद करेगा। तो चलिए इसको इंटरफेस क्या होगा, इसको किस तरह से मदद करेगा, मैं आपको जरूर आपको बताने वाला हूँ। तो मैं पहले आपको क्या करूँगा, जो आरोग्य सेतु ऐप्स को मैं ओपन कर लूँ। ओपन करने के बाद देख सकते हैं जो प्लीज़ सिलेक्ट योर लैंग्वेज। तो इस जगह से आप कोई भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये इंग्लिश हो, हिंदी हो, बहुत सारा लैंग्वेज जगह दिया गया है, कोई भी लैंग्वेज चूज करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इंग्लिश को चूज़ कर लेता हूँ। जैसे इंग्लिश चूज कर लिया तो उसमें नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, तो नेक्स्ट में क्लिक करते हो। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इस प्रकार से आपका इंटरफेस आएगा, तो नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। वो जैसे नेक्स्ट कर देंगे तो रजिस्टर नाउ बोलेगा, तो आपको रजिस्टर नाउ में क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर नाउ में क्लिक करेंगे तो आपको आई एग्री में क्लिक कर देना है, और जो भी अलाउ मांगेगा आपको अलाउ में क्लिक कर देना है। वो क्लिक करने के बाद आपको फ़ोन नंबर इस जगह में डाल देना है, तो मेरा फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। मैं डाल दे, डालने के बाद आपके पास OTP आएगा, तो OTP से डायरेक्ट भी ले सकते हैं, तो आपको OTP डालना पड़ेगा। तो डायरेक्ट OTP ले लेता हूँ इधर से, तो आपको फिर से आपको डायरेक्ट इधर से ओपन हो गया, तो आरोग्य सेतु ओपन हो गया। लेकिन इस जगह आपको प्रोफाइल बनाने के लिए वो आपको डायरेक्ट SMS किया जाएगा, उसी हिसाब से फिल कर देंगे तो आपको प्रोफाइल बन जाएगा। जैसे कि इस जगह पूछ रहा है जो पर्सनल डिटेल्स, व्हाट योर जेंडर, तो इस जगह मैं मेल कर देता हूँ। तो इस जगह फुल नेम पूछ रहा है तो मेरा नाम डाल देता हूँ, तो मैं डाल दिया हूँ। वो एज डाल रहा है तो मैं डाल दिया हूँ। तो वो इस जगह जाने के बाद आपको प्रोफेशन चूज रहा है, कोई भी मैं चूज़ कर देता हूँ। तो चूज़ करने के बाद आपको किधर की ट्रैवल किया है कि लास्ट 30 डेज के अंदर मैं नॉन कर देता हूँ। तो करने के बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक करना। जैसे क्लिक करेंगे तो रेडी टू वॉलंटियर इन द टाइम यस या नो, मैं नो कर मैं क्लिक कर देता हूँ। कन्फर्म सबमिशन तो सबमिट कर देता हूँ। तो सबमिट करने के बाद आर यू फीलिंग वेल, यस यस कर देता हूँ। तो टेक 20 सेकंड सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, तो इस जगह आप टेस्ट भी करा सकते हैं। यही इस ऐप्स का जो खुफिया है, आप इस जगह से खुद घर बैठ के इस जगह में आप क्या कर सकते, आपका सेल्फ जो डॉक्टर, मतलब जो सेल्फ डॉक्टर, इस जगह से आप खुद चेकअप करा सकते हैं। चेकअप करके आपको निर्णय कर सकते हैं जो आपका अंदर कोरोना है कि नहीं है, तो आप इस जगह से चेकअप भी करा सकते हैं। इस ऐप्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, मेरा उम्मीद यही है। जो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास कुछ कुछ जगह को हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया, लेकिन बहुत सारा जगह में हॉटस्पॉट चिन्हित नहीं होगा। लेकिन हमको पता है क्योंकि इंडिया में इतना आबादी है, तो मतलब सभी जगह में पक नहीं सकता है। तो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा इन ऐप्स को यूज़ करने के बोलिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए, जितना सारा आपको हो सके तो शेयर कर दिए। तो चलिए इतना था कि, और साथ ही साथ मैं बोलना चाहूँगा जो कोरोना के मुकाबला करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन का होगा, तो वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कर देना। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, शेयर कर देना, क्योंकि आपका शेयर में हो सकते एक लाइफ
या ज़िंदगी बांस सकता है। तो चलिए मिलता है अगला वीडियो का, फिर तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।